हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स जो लाइकेन्स होते हैं इन्हें हम ड्यूअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ड्यूअल ऑर्गेनिज्म। अब फिर क्वेश्चन होता है कि इन्हें हम ड्यूअल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, जो हमारा लाइकेन्स होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका किसका? दो पार्ट्स। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो दो पार्ट्स होंगे ही, कौन कौन से? एक होता है हमारा एल्गल पार्ट और दूसरा होता है हमारा फंगल पार्ट्स। और इन एल्गल और फंगल पार्ट के एसोसिएशन से हमारा जो बनता है वो लाइकेन्स बनता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ड्यूअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक साथ एक ही थैलस पर ग्रो करते हैं। जो एल्गल पार्ट हमारा होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक। जबकि जो हमारा फंगल पार्ट होता है ये माइक्रोबियल पार्ट माना जाता है। अब जो हमारा लाइकेन है, इसकी जो खोज की थी, जो टर्म लाइकेन था ये दिया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा। किसके द्वारा? टर्म यानी टर्म क्वाइंड बाय थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो टर्म लाइकेन्स था यह दिया गया था। अब जो लाइकेन टर्म है इसकी जो स्टडी की जाती है वो स्टडी की जाती है किसके अंतर्गत? लाइकेनोलॉजी के द्वारा। यानी जो लाइकेन का लाइकेनोलॉजी एक टर्म आप ऐसे समझ लीजिए, लाइकेनोलॉजी। जो लाइकेनोलॉजी टर्म है ये दो पार्ट से बना है। पहला पार्ट होता है लाइकेन और दूसरा होता है लॉगस। लाइकेन्स यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, और लॉगस मींस होता है टू स्टडी। यानी जब हम एल्गी और एल्गस और फंगस यानी फाइकोबियंट और माइकोबियंट आप कह सकते हैं इसे कि हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो यही हमारा स्टडी जो ब्रांच है ये स्टडी ब्रांच क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी, या स्टडी ऑफ लाइकेन्स भी क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। अब अगली चीज होती है कि जो हमारे लाइकेन्स है इसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये किस टाइप का? तो जो लाइकेन्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इससे हस्बैंड एंड वाइफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बिना ये दोनों भी, किसी एक को अगर थैलस से हटा दिया जाए तो दूसरा थैलस अपने आप डाई कर जाता है। यानी एक थैलस दूसरे थैलस का क्या होता है? परिपूरक होता है। इसीलिए इसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब लाइकेन की कंडीशंस में जो अगली चीज होती है वो होती है टाइप्स ऑफ लाइकेन। अब लाइकेन कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ लाइकेन, तो अगर हम लाइकेन को सबस्ट्रेटम के बेस पर डिवाइड करें, किसके बेस पर? यानी बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम अगर हम लाइकेन्स को डिवाइड करें तो जो लाइकेन्स हमारे हैं ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉर्टिकोलस लाइकेन। अब जो हमारा कॉर्टिकोलस लाइकेन है, अब सबस्ट्रेट इसका क्या होगा? तो बार यानी जो ट्री बार्क होगा उस पर जो लाइकेन्स ग्रो करता है वो लाइकेन्स हमारा क्या कहलाएगा? कार्टिकोलस लाइकेन्स कहलाता है। दूसरा जो हमारा लाइकेन्स होता है इसको हम कहते हैं सेक्सिकोलस लाइकेन। अब फिर चीज होती है कि इसका सबस्ट्रेटम क्या है? तो जो लाइकेन्स रॉक्स पर ग्रो करते हैं ऐसे लाइकेन्स को हम क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस लाइकेन्स कहते हैं। और तीसरा होता है टेरिकोलस लाइकेन। अब ये कहां ग्रो करेंगे? तो ऐसे लाइकेन्स जो सॉयल में ग्रो करें उस लाइकेन्स को हम क्या कहते हैं? टेरिकोलस लाइकेन्स कहते हैं। यानी सबस्ट्रेटम के बेस पर लाइकेन तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पार्टिकोलस, सेक्सिकोलस और टेरिकोलस। जो पार्टिकोलस लाइकेन्स है वो कहां डेवलप होगा? बार्क पर। टेरिकोलस लाइकेन्स जो है वो सॉयल में, और सेक्सिकोलस लाइकेन्स जो है वो रॉक्स पर डेवलप होता है। तो ये बेस्ड है किस पे? सबस्ट्रेटम पे। अगली चीज होती है ग्रोथ फॉर्म।
लाइगेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लाइगेज का ग्रोथ फॉर्म ही होता है, और इसी के बेस पर जो लाइगेज है इनको मेनली आप कह सकते हैं चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहली जो कैटेगरी बनी वो हो गई क्रस्टोज लाइगो। दूसरी जो कैटेगरी बनी वो हो गई पोलियोज लाइगे। तीसरी जो कैटेगरी बनी ये हो गई फ्रूटीगोज फ्रूटीगोज लाइगे। और चौथी जो आखिरी कैटेगरी बनी वो हो गई स्क्वामुलस या स्क्वामुलोज लाइगे। इस तरीके से लाइगेज जो हो गए ये चार कैटेगरी में डिवाइड हो गए। जो हमारी पहली कैटेगरी है इसे हम पेंट लाइक लाइगेज भी कहते हैं या पेंट लाइक फ्लैट लाइगेज भी कहते हैं, पेंट लाइक फ्लैट लाइगेज भी कहते हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है यानी फोलियोज लाइगेज, इसे हम लीफ लाइक लाइगेज भी कहते हैं, लीफ लाइक। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है इसे हम ब्रांच्ड लाइगेज भी कहते हैं, ब्रांच लाइगे। और तीसरी जो होती है इसे हम स्केल लाइक लाइगेज भी कहते हैं। अब अगर इनके हम सेकेंडरी टर्म को देखें, ये सेकेंडरी जो टर्म है पेंट लीफ ब्रांच और स्केल्स, तो इससे हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो हमारा पेंट लाइक लाइगेज होता है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पेंट लाइक लाइगेज में क्या होगा, ये हाईली कलरफुल होंगे या आप कह सकते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब हम इसके इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे तो इनमें तीन चीजें हमें दिखाई देंगी मुख्य रूप से। कौन कौन सी चीज? एक तो होगा कि उसमें हमारा सबस्ट्रेटम पार्ट हो, सबस्ट्रेटम पार्ट हो। दूसरी चीज होगी मेडुला। तीसरी चीज होगी एल्गल पार्ट हो। और चौथी चीज होगी कि कॉर्टेक्स हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, क्रस्टोज लाइगेंस। लेकिन अगर हम बात करें फोलियोज लाइगेंस की तो इसमें इससे एडवांस कंडीशंस आ जाती है। किससे एडवांस? क्रस्टोज से। यहां पेंट लाइक और ये लीफी होता है इसलिए, या कैसा होता है, पेपरी होता है, थिन होता है और ब्रांच्ड होता है। इसे देखें, पहली कंडीशंस हो गई, ये हो गया सबस्ट्रेटम। और इसके बाद इसमें छोटे छोटे पिलर लाइक अरेंजमेंट दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं, इसके मेडुला पार्ट्स को बियर करते हैं और मेडुला पार्ट्स को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और ये आपका हो गया क्या, एल्गल कंपोनेंट या एल्गल पार्ट। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स, ये हो गई हमारी मेडुला, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। और ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जो डेवलप होती है इसी को हम कहते हैं लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स। तो ये क्या हो गया, हमारा जो क्रस्टोज लाइगेंड है इससे ये क्या हो गया, एडवांस हो गया। और इससे भी जो एडवांस होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रूटीओज लाइगेंस। ये जो होता है पहले ही टर्म बता दे रहा है कैसा होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, और ब्रांच में भी कैसा होना चाहिए, हाईली ब्रांच होना चाहिए। क्यों हाईली ब्रांच होना चाहिए? क्योंकि सेमी ब्रांच कंडीशन में हमारा फोलियस लाइकेंस ही पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, हाईली ब्रांच हो जाता है। तो हाईली ब्रांच हो जाएगा ये इसका सबस्ट्रेटम हो गया। और एट लास्ट में हमारा क्या बचा, स्केल लाइक। जो स्केल लाइक होता है इसमें सबस्ट्रेटम से ये प्रॉपर टच नहीं कर पाता है, और बल्कि सबस्ट्रेटम से यह क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है और इसके लाइक एपीरियंस सीन करने लगता है। कैसे वो देखें,
ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसमें अपर लेयर हो जाएगा फिर कॉर्टेक्स, ये आपका हो गया एल्गल पार्ट, ये हो गया मेड्यूला, और ये क्या हो जाएगा सबस है। यानी अगर देखा जाए तो क्या है, एक से दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए क्रम में क्या हो रहे हैं, जो हमारे थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस होते चले जा रहे हैं। यही इनका जो ग्रोथ फॉर्म होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट की कंडीशन में ये बढ़ती हुई या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आगे की तरफ चलती हुई संरचना में दिखाई देते हैं। अब अगली चीज होती है कि लाइकेन्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो लाइकेन्स में जो रिप्रोडक्शन होता है या मेनली फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, रिप्रोडक्शन तो बाय फ्रेगमेंटेशन मेनली किस प्रोसेस के द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा इनिशिएट होता है। अब एट लास्ट चीज होती है कि यूज क्या है लाइकेन्स का, तो जो लाइकेन्स होते हैं इसमें एक लाइकेन होती है यूशिना, ठीक, जो हमारी यूशिना लाइकेन्स होती है इसका उपयोग किया जाता है डिओड्रेंट बनाने के लिए। इसके बाद अगली चीज होती है वुल्फ लाइकेन, वुल्फ लाइकेन जैसा नाम है वैसा ही काम है, यह पॉइजनस लाइकेन होता है, और पॉइजनस लाइकेन्स इसका यूज किया जाता है जनजातियों के द्वारा। में आपने देखा होगा कि जो हमारी जनजातियां हैं वो एरो यूज करती है शिकार के लिए, और उन एरो में क्या होते हैं पॉइजनस केमिकल लगे होते हैं, और वो जो पॉइजनस केमिकल होते हैं एरो के हेड पर, यानी जो तीर लगी तीर बनी होती है, तीर का ये जो हेड रीजन होता है ये जिस पॉइजन से फील्ड होता है, जिस पॉइजन को बियर करता है, वही पॉइजन हमारा कहां से ऑब्टेंड होता है, इस वुल्फ लाइकेन से प्राप्त होता है। थर्ड चीज जो होती है, जो लाइकेन होते हैं ये ग्रेट इंडिकेटर होते हैं एयर क्वालिटी के, और एयर क्वालिटी में भी स्पेशली किसके SO2 को, SO2 को मेनली सबसे कॉमनली SO2 जो पॉल्यूशन है इसको इंडिकेट करता है कौन, लाइकेन्स। अगली चीज होती है लाइकेनोमेट्री, एक चीज ये जरूर जानिए लाइकेनोमेट्री, लाइकेनोमेट्री क्या है, अगर कोई फॉसल है और उस फॉसल का कोई रॉक्स है और उस रॉक्स का एज निकालना है, तो उस रॉक्स का एज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं लाइकेन्स लेते हैं, और उस लाइकेन्स के थैलस की साइज को ऑब्जर्व करते हैं, और उस थैलस की साइज के आधार पर हम क्या करते हैं उस रॉक्स का रियल एज बताते हैं, और यही जो प्रोसेस हमारा है यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है लाइकेनोमेट्री। यानी लाइकेनोमेट्री जो प्रोसेस है या यूज किया जाता है किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए किसकी, किसको, एज ऑफ रॉक्स को, जो और वो किस विधि से निकाला जाएगा, वो लाइकेन की थैलस जो होगी उस थैलस के साइज के बेस पर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था लाइकेन्स ये भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।